नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मुन्ना मान की शासन व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको मुन्ना मान की शासन व्यवस्था को हम इसका विस्तृत रूप से हम पढ़ा दिए हैं कि शासन व्यवस्था क्या है, इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज हम बता चुके हैं। अभी हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला इसका क्वेश्चन लिए हैं हम, हो जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है, मतलब हम लोगों को यह बताना है कि हो जनजाति का कौन सा शासन व्यवस्था है। पहला है क मुंडा शासन व्यवस्था, ख सबर शासन व्यवस्था, ग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और घ मांझी शासन व्यवस्था। ये चार है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो हम लोग पहले देखें इसको। ये कहता है इसका नाम है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, तो हम पहले इसको छोड़ देते हैं कि इसके बारे में हम लोग ABCD नहीं जानते हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम लोग। तो हो जनजाति जो की है वो मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा का होगा, सबर शासन व्यवस्था सबर जनजाति का होगा, मांझी शासन व्यवस्था और बच गया मेरे पास मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो ये मांझी शासन व्यवस्था ये हो जनजाति का है नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये हो जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था का नाम क्या है। इसका आंसर होगा ग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। यदि आप मेरा इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आई बटन पे या प्लेलिस्ट का हम आपको लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें हम पूरा विस्तृत रूप से बताए हैं। तो इसका नाम मुंडा मानकी क्यों पड़ा है वो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। मुंडा मान की दूसरा क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है। वहां सबसे छोटा इकाई है गांव, जिसको ग्राम बोलते हैं। तो ग्राम के प्रधान को क्या कहते हैं, जो हेड होगा जैसे मुखिया होता है ना, उसको क्या कहते हैं। मानकी क मानकी ख मुंडा ग डाकुआ और घ द्यूरी। तो हम लोग यहां पर देखेंगे सबसे पहला इकाई है ग्राम, तो ग्राम का जो प्रधान होगा उसको हम लोग मुंडा बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया यहां पर मुंडा मान की शासन व्यवस्था, एक होगा मानकी भी कहीं, इसलिए कि ग्राम के प्रधान को मुंडा बोलते हैं, ग्राम से ऊपर वाला जो होगा उसको मानकी बोलेंगे हम लोग, उसी को मिलाकर के मुंडा मान की शासन व्यवस्था इसका नाम दिया गया है। आइए हम लोग तीसरा वाले को सॉल्व करते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। अब देखिए यहां लिखा है क पाहन, ख बैगा, ग द्यूरी और घ मानकी। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये पाहन भी धार्मिक प्रधान ही है, बैगा भी धर्म से रिलेटेड है, लेकिन ये दोनों हमारा यहां पे आंसर नहीं होगा। तो हम लोग यहां पे देखेंगे मानकी, तो यहां कहता है मुंडा मानकी, तो मुंडा तो यहां हो गया, मानकी तो धार्मिक प्रधान के नाम पे उसके शासन व्यवस्था का कोई मतलब लिया नहीं है, इसलिए हम लोग मानकी को ना लगा करके हम लोग द्यूरी को लगाएंगे। ये द्यूरी है क्या, तो ये मुंड हो जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है उसको हम लोग द्यूरी के नाम से जानते हैं, यही सारा काम करता है धर्म से रिलेटेड, धार्मिक काम जो भी होगा वो द्यूरी करेगा, न कि यहाँ पे पाहन है, न बैगा है और न मानकी है। तो गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, द्यूरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन है। तो सबसे छोटा इकाई कौन सा है, गांव, तो गांव का प्रधान कौन होता है, मुंडा। मुंडा का सहायक कौन है, क मानकी, ख डाकुआ, ग यात्रा द्यूरी, घ द्यूरी। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये मुंडा और मानकी, तो मानकी दूसरे यूनिट का प्रधान होता है, लेकिन गांव जो मुंडा का सहयोगी वो कौन है, वो है डाकुआ। इसका आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर पांच कहता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा कौन से कार्य करते हैं, तो जो गांव का प्रधान मुंडा है उसके जिम्मे कौन कौन सा कार्य होता है। तो वो क प्रशासनिक कार्य, ख न्यायिक कार्य, ग राजस्व वसूली और घ उपरोक्त सभी। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, जुडिशियल का भी काम यही देखता है, मतलब कि वो जितना विवाद का निपटारा होता है उसमें मुंडा
गुंडा करता है ये काम को। इसके बाद राजस्व वसूली, रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है, यदि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं करेगा तो गांव का विकास कैसे करेगा, तो राजस्व वसूली का भी काम करता है। मतलब ये जो मुंडा है इसके जिम्मे तीनों कार्य है, प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य और राजस्व वसूली का कार्य। इसका मतलब इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक कौन पहुंचाता है? तो जो आदेश होगा या सूचना जो होगा उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? मानकी, ख यात्रा द्यूरी, ग डाकुआ और घ प्रगनायक। तो गांव के लोगों तक आदेश पहुंचाने का काम किसका होगा? जो मुंडा का जो सहयोगी होगा वही काम करेगा ये। तो इसका सहयोगी कौन था? डाकुआ। तो डाकुआ जो है वो गांव के लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम करता है या आदेश पहुंचाने का काम करता है डाकुआ। तो इसका आंसर हो गया ग डाकुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पीड़ या पट्टी का निर्माण कितने गांवों को मिलाकर होता है? तो हम लोग को पता है सबसे छोटा इकाई गांव है, कई गांव मिलकर के पीड़ या पट्टी का निर्माण करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है क 5 से 10, ख 15 से 20, ग 30 से 40 और घ इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहां पर मारेंगे 15 से 20 गांव मिलकर के एक पीड़ या पट्टी का निर्माण करता है। नंबर 8 कहता है पीड़ या पट्टी का प्रमुख कौन होता है? तो मुंडा, ख मानकी, ग द्यूरी और घ परगनायक। तो मुंडा किसका प्रधान होता है? ग्राम का। द्यूरी किसका प्रधान होता है? धार्मिक प्रधान है यह। परगनायक हम लोग के मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में ये वर्ड आता ही नहीं है। तो बचा मेरे पास मानकी। तो पीड़ पट्टी का प्रमुख कौन होता है? पीड़ या पट्टी का प्रमुख कौन होता है? मानकी। क्वेश्चन नंबर 9, गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? रेवेन्यू कलेक्शन का काम कौन करता है? क मुंडा, ख मानकी, ग तहसीलदार और घ डाकुआ। तो मुंडा इसका इसी के देखरेख में काम होता है, ये तो सही है। मानकी जो की है वो पट्टी का प्रधान होता है। तो जो तहसीलदार है ये इसका आंसर होगा। और डाकुआ कौन होता है? तो वो सहायक होता है मुंडा का, इसलिए इसका आंसर ग होगा, तहसीलदार। तो गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो तहसीलदार। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? तो धार्मिक मामला का निपटारा कौन करेगा? द्यूरी, वो प्रधान होता है तो वही करेगा। आइए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं, क द्यूरी, ख यात्रा द्यूरी, ग मुंडा और घ मानकी। तो मुंडा और मानकी तो ये है नहीं, और यात्रा द्यूरी, यात्रा द्यूरी का सहायक होता है यात्रा द्यूरी, इसलिए हम लोग इसका आंसर लगाएंगे क द्यूरी। द्यूरी का सहायक कौन होता है? अभी जस्ट हम देखे हैं द्यूरी का सहायक कौन होता है, क उप द्यूरी, ख यात्रा द्यूरी, ग डाकुआ और घ कोई नहीं। तो हम लोग इसमें लगा देंगे द्यूरी का सहायक में यात्रा द्यूरी। ठीक है, ये धार्मिक कार्य जो देखता है द्यूरी उसी को ये सहायता पहुंचाता है, उसके कामों में सहायता पहुंचाता है यात्रा द्यूरी। जैसे मुंडा का सहायक कौन है? डाकुआ। उसी तरह से द्यूरी का सहायक कौन है? यात्रा द्यूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? क खड़िया जनजाति, ख उरांव जनजाति, ग हो जनजाति और घ मांझी जनजाति। तो डायन प्रथा जो है वो हो जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग हो जनजाति। क्वेश्चन नंबर 13, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? विलिंगटन रूल, ख डलहौजी रूल, ग विल्किंसन रूल और घ इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहां पर याद रखेंगे कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को विल्किंसन रूल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किसके द्वारा मान्यता दी गई? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कार्नवालिस, ग थॉमस विल्किंसन और घ लॉर्ड विलिंगटन। तो उस समय में कमिश्नर थे थॉमस विल्किंसन, ये यही जो थे वो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान किए थे।
अगला क्वेश्चन है 15, विल्किंसन रूल कब बना? 1932, 1937, 1837 और 1832। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, ये विल्किंसन रूल जो था वो 1837 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर ग्राम्य पंचायत का निर्माण किसे मिलाकर किया गया? ग्राम को, पीड़ को, पट्टी को और घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम से पता चलता है अंतर ग्राम्य, मतलब कई ग्रामों को मिला करके बना था। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि अंतर ग्राम्य पंचायत जो है वो ग्रामों को मिला करके बना, इसलिए आंसर होगा क, ग्राम। विल्किंसन रूल में कुल कितने प्रावधान थे? तो जब ये 1837 ईस्वी में जब ये बना था तो उस समय में कुल 32 प्रावधान शामिल किए गए थे। तो विल्किंसन रूल में कुल कितने प्रावधान थे? 26, 32, 36 और 22। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसका आंसर होगा 32। अभी हम लोग यहाँ मुंडा मान की शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखें, और यदि कुछ प्रश्न और भी जो छूटा होगा ये हो जनजाति से संबंधित, वो हम लोग अगले क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जनजाति का इतिहास, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग उसमें शामिल कर लेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।